मैं हूं विनीत खरे, बीबीसी हिंदी के इस विशेष फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके के आसपास, आसिफ अली रोड है और जैसा कि सामने देख रहे हैं आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है और बगल में एक ब्रांच है ICICI बैंक की। आज एक हफ्ते होने को हैं जब सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। आपको याद होगा पिछले मंगलवार को रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी ने एक विशेष टेलीवाइज्ड स्पीच में इस बात की घोषणा की थी, और तब से आज तक क्या चीजों में कितना फर्क पड़ा है या स्थिति में किस तरह का चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, आप देख रहे हैं। आप लोगों की भीड़ यहाँ पर जस की तस है, जो कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, कई घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या सुबह से खड़े हैं? क्या नाम है आपका? और अमीन नाम है जी। कितने रुपए निकालने हैं और कब से खड़े हैं आप? 4000 रुपए एक्सचेंज करने हैं। सुबह 7 बजे से आया हूँ, 10 बजे बैंक खुला है, उसके बाद काम हो नहीं रहा। भीड़ इतनी है यहाँ पे, अरेंजमेंट तो कुछ करा नहीं। सुबह से आप क्या कर रहे हैं फिर, जब से यहाँ खड़े हैं? लगाऊंगी तो लाइन तो इतनी लंबी, लाइन में लगे हम जी। हाँ, मेरा फ्रेंड लगा लाइन में, मैं आपको देख कर आया हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, और काफी महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। अगर कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, आप में से कोई बात करेगा आइए। एक सेकंड जी, क्या नाम है आपका? शबीना। शबीना जी, कब से खड़ी हैं आप यहाँ पे? सुबह 9 बजे से खड़े हैं, 8 बजे से। सुबह 8-9 बजे से खड़ी हुई और अभी करीब 5:45 बजने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लाइन तो इतनी लंबी नहीं दिख रही यहाँ पे? लाइन तो खत्म हो गई है, और ये कोई पैसे कहते हैं फिनिश होगा, पैसे नहीं है, रुपए नहीं आए, बंद हो गया, टाइम ओवर हो गया। अच्छा, अभी इतने परेशान है, घरों से छोड़ कर आए, बच्चों को स्कूल से लाना होता है, ऐसे कैसे चलेगी? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जी जी, क्या नाम है आपका और आप कितनी देर से खड़ी हैं? मेरा नाम रुबीना है और मैं यहाँ पे इन्हीं के साथ खड़ी हूँ 9 बजे से, और अब तक आने के बाद इन लोगों ने बोल दिया है कि जी यहाँ पे सिर्फ पैसे जमा होंगे, कैश खत्म हो गया है, कैश खत्म हो गया। ये वो कटी हुई लाइन है जो बहुत आगे की, जो कैश नहीं निकाल सकती, सिर्फ जमा करा सकती है। अब ये जो हम ये लेके खड़े हुए, क्या है ये पैसे लेने के लिए, तो हम ये बताइए किस तरीके से निकाले। रुबीना जी, आप पिछले एक हफ्ते में पहली बार आई है कि उससे पहले? एक बार पहली बार आई हूँ मैं, और 3 बारी से मैं और जगहों पे जा के खड़ी होती हूँ। कहाँ गई थी आप? इसी से ही, ये डिलाइट ICICI बैंक की ब्रांच है जी, इसी के साथ में। सरकारी नहीं है, हम टाइम से पहले बंद कर दिया। हमें इतनी वो तो नहीं हूँ पढ़ी लिखी जो मैं आपको एक एक बात बता सकती हूँ, लेकिन इतना ही बता सकती हूँ कि मैं इसी लाइन में काफी बार जा चुकी हूँ। हर बैंक में गेट तक पहुँचने तक वो कहते हैं पैसे कैश खत्म हो गया, ये लड़ाई होने लगती है आपस में, तो वो अंदर से कहते हैं जी बंद, अब बंद हो गया। अच्छा, चलिए आइए और कुछ महिलाओं जी, और कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप कुछ बात करेंगे? आप लोग कब से खड़ी हुई? अभी आई है। खैर, जैसा कि आपने जी, मैं सुबह का आया हूँ 6:15 बजे। कितने रुपए निकालने हैं? मुझे 10,000 रुपए निकालने। सुबह के 6 बजे से आए हुए हैं। अब मेरा नंबर आता है तो ये बोलते हैं कि पेमेंट नहीं है, बताइए क्या करूँ आपको। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र से निकाल रहे थे आपकी ICICI? अच्छा अच्छा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 2 बैंकों की ब्रांचें हैं। एक हम देख रहे हैं शटर करीब आधा खुला हुआ है और यहाँ पर ताला लगा रहे हैं। ये बैंक कब तक खुला रहता है? बैंक तो अभी पौने 5 बजे, तो इतनी जल्दी बंद क्यों किया गया आप? अच्छा, आप कस्टमर हैं जी, तो क्या कह रहे हैं बैंक? पैसे जमा करना है, पैसे भी जमा नहीं करना है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कैश ओवर रिफिल एक्सपेक्टेड बाय 4 PM, तो 4 बजे कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है कि जी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शटर डे वाले दिन छुट्टी थी बैंक के, शनिवार को तो खुलना था ना? हाँ, खुलना था, इन्होंने छुट्टी कर दी। इन्होंने कहा सिस्टम खराब है, सिस्टम कहाँ से खराब होगा बताइए, पब्लिक की परेशानी है। 10,000 रुपए का चेक लेके खड़ा हूँ, सुबह से खोल ही नहीं। अच्छा, आप लोग पहली बार पिछले एक हफ्ते में जब से अनाउंसमेंट हुई है पहली बार आया हूँ। छुट्टी कर दी इन्होंने, संडे छुट्टी कर दी, मंडे छुट्टी हो गई, तो अंदर काम हो रहा है, ये मतलब बंद कर दिया है कि अंदर लोग हैं? 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा, चेक लेकर पैसे लेने आया हूँ। ऐसी बैंक में अकाउंट है जी जी, तो ये शटर वो लाइन में लगने के बाद कह देते हैं बंद हो गया। क्या कह रहा? पेमेंट कोई बात कर रहा है अंदर से, कुछ समझा रहा है, कोई बता रहा है कि क्या हुआ है? इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, सैटरडे मंडे संडे जी जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्रांच बहुत पहले ही बंद हो गई और यहाँ पर बैंक का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है।
जिससे हम बात कर पाए और जानने की कोशिश कर पाए कि भाई आखिर इस बैंक को क्यों बंद किया गया है। हम जब इस रास्ते में अपने ऑफिस से यहाँ पर आ रहे थे तो सारी कई दुकानें बंद हैं, कई जगह धंधे ठप हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान और कोई कस्टमर भी बाहर नहीं दिख रहा था। लेकिन जहां जहां एटीएम है, जहां बैंकों की ब्रांचें हैं, वहां ऐसी लाइनें लगातार हमें दिख रही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग, आप लोग कब से खड़े हुए हैं? सर, हम सुबह 8 बजे से खड़े हैं। सुबह 8 बजे से? 8 बजे से, और अभी तक हम वहां से यहीं तक आए। तो कहां ये कितनी लंबी लाइन थी सुबह जब 8 बजे थी? ये करीब आधा किलोमीटर, 5 मीटर की लाइन थी। 8 बजे टाइम हो गया सर, तब से वहाँ से यहाँ तक। तो सुबह से आप क्या कर रहे हैं, फिर टाइम कैसे बिता रहे हैं? खाने गए ना, पीने गए, बहुत स्लो काम हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग पिछले एक हफ्ते में पहली बार आए हैं बैंक? पहली बार आए? इसके पहले? पहली बार लेकिन अभी तक आया नहीं नंबर। अब तो सब फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, हाँ, फर्स्ट टाइम वाले को इतना टाइम लग रहा है, सुबह 8 बजे से यहाँ तक पहुँचे। अभी 1 घंटे बाद ये लोग कह देंगे कि बैंक बंद है, कैश खत्म हो गया है, जमा करने की जान नहीं है, यहाँ तक अगली परेशान होगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हबीब अहमद। कोई सिस्टम नहीं है, कोई नब जमा करने का सिस्टम है, पब्लिक को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। सुबह 5-5 बजे से लोग लाइन में लग रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं, बैंक का भी कोई सिस्टम सही नहीं है। इस तरह से होना चाहिए काम। जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त लोग नाराज है, लोग खुश नहीं है। हम अपने सुनने वालों को, श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, हम इस वक्त हैं पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में। आज ठीक एक हफ्ता हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की गई थी कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब बंद हो रहे हैं। आ गया था सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन होगी, कुछ लाइन नहीं है यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए, कोई नहीं है, कोई बड़े बड़े सब लाइन में लगे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, देख रहे हैं दुकानें भी बंद हैं। ये तो खैर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है, लेकिन देख रहे हैं आप सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। और ये आज कौन सा दिन है? आज है मंगलवार, तो ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि दुकानें बंद है। लेकिन हम जब, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आए हैं तो सारी की सारी दुकानें बंद है। और आप भी 8 बजे खड़े हैं? दे देते हैं स्लिप पे, तुम्हारी नंबर आएगा, ये आएगा, ये और करवाते हैं। पर नंबर अभी तक आया नहीं, 31 नंबर है, पता नहीं कहाँ है, क्या पता। सर मीडिया में दिखा रहा है कि हर रोज पैसे निकलेंगे, लेकिन ये निकालने ही नहीं दे रहे हमारे घर में। ये क्या वैसे बताया था आपने? सर ये नंबर खत्म हो गई, पुलिस वाले आते नंबर बांटते हैं, तुम्हारा नंबर लगा। तो ये बोला गया था कि आपसे नंबर आ जाएगा, नंबर आ गया भाई, अभी तक नंबर नहीं आया। लेकिन हम तो देख रहे हैं बैंक अब ब्रांच बंद कर दी है। बंद तो खड़े में इतनी देर हो गई है, तो क्या बोल रहे हैं अभी आपसे? जब ये कहते खत्म हो जाए, पैसा खत्म है, अभी ये नहीं है, कैश खत्म है, हर बार कैश खत्म है। घर में किस तरह की समस्या आ रही है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है सर, ना राशन लाओ, कहीं भी बनी के जाओ, 1000 का नोट लो, अब दही ले आए, एक नोट में क्या करें जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये काम बहुत देर से कर रहे हैं, जो परेशान है, जो 1 मिनट का काम है उसे 20-20 मिनट लग रहा है। हमारे पीएम को कम से कम इसकी जो है सहूलत पैदा करनी चाहिए थी पब्लिक के लिए। पब्लिक सिर्फ परेशान हो रही है 5-6 दिन से, और कुछ नहीं मिल रहा पब्लिक के हाथ में। लेकिन वैसे 6 बजे से लोग जाते हैं, शाम को 6 बजे जवाब ये मिलता है कि पैसा खर्च कैश खत्म हो गया। इतना स्लो काम हो रहा है, स्टाफ का काम पहले हो रहा है, स्टाफ का काम पहले है, यहाँ लाइन से जो अलग आ रहा है, जानकारी वाले पूछते हैं, बेजान वाले, स्टाफ का काम हो रहा है, जिसकी पुलिस में बातचीत है उसके बाद में ये बैंक में। ठीक है, ये एक आरोप है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लाइनों को थोड़ा सा सीधा किया गया है तरीके से ताकि लगे रहे, लेकिन बैंक को, बैंक के शटर डाउन है। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहां पर खड़े हुए हैं, जैसा कि हमने देखा है कई जगहों पर थोड़ी अव्यवस्था भी फैली थी, पुलिस को लाना पड़ा था ताकि थोड़ा ऑर्डर रहे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिस के जवान हैं ताकि ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं कि ये जो ब्रांच के जो शटर्स हैं या कब खुलेंगे, यहाँ पर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, लोगों को यहाँ पर कितना लंबा खड़ा रहना पड़ेगा। अंदर काउंटर ही है और कुछ भी नहीं हो रहा, सबको अंदर जाके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। कहाँ से आए हैं आप? पीछे रहता है सर, मेरा यहाँ पर सुबह बच्चे। कितना पैसा बदलने आए हैं? पैसे बदलने आया था, परेशानों को चला कर टोकने गया, सुबह की लेडीज 6-6 बजे खड़ी हुई है, जो साइड से लोग आ रहे हैं ना बाहर से, उन लोगों को अलग से स्पेशल पैसे निकाल के जा रहा है, बजे तो कपड़े लेके खड़ी लेडीज, कोई सुनवाई नहीं हो रही, बेचारी भूखे भी बच्चों छोड़ के आई हुई है। आप बात करेंगी? मैं कुछ बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं करेंगी? आप लोग कब से खड़े हुई, कुछ कोई बात करेगा? 9 घंटे सड़क पर आके खड़े हो गए, क्या इंटरव्यू देंगे? कुछ नहीं दे सकते इंटरव्यू, हालत ऐसी बुरी कर दी है, हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी, ना वो पैसा अपना काम आ रहा है, ना किसी काम आ रही है, बैंक में लगातार खड़े हुए, ना बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, ना पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, ये सड़क पे लाके खड़ा कर दिया मोदी ने आज हमको, ये बच्चों वाले परेशान है, ना बच्चों के ना घर के, सड़क पर ये सड़क पे इधर का दे देंगे हम कहीं के कहीं नहीं, हम सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस टाइम में, ना बदलने के ना लेने के,
क्या हाल हो गया, 9 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए, जो गलती वो जा चुकी है, जो सही है वो लाइन से क्यों में लगे हुए, ना बैंक में जाने दे रहा है ना आने दे रहा है हमें। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं डिवोर्सी हूँ, मैं सेपरेशन हो चुका है, सिंगल पेरेंट हूँ, किस तरह क्या क्या कर रही हूँ मुझे पता है, बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। बच्चे छोटे हैं अभी? मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और एक मेरा सेकंड क्लास में पढ़ता है। स्कूल के बाद मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं देखा, नहीं है कि उन्होंने क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं पता मुझे। जिस हालत जिस कंडीशन में मैं हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैंने ये बच्चे पैसे सबमिट किए हैं, जो मैं दिल मेरा रो रहा है कि मैं किस तरह क्या करूं और किस तरह जमा करूं मेरे पैसे और किस तरह लूं। 4,000 रुपए के लिए कि क्या है, 4,000 की तो फीस भी नहीं है बच्चों की, कहां से देंगे हम कि 4,000 रुपए, तो वो भी आई कार्ड प्रूफ, जो ब्लैक मनी है, नहीं जो तो ब्लैक मनी है वो तो व्हाइट कर चुके हैं। अब किसी के घर में 4 लाख है, किसी घर में 5 लाख है, किसी ने कैसे जमा कर रखा है, खासकर हम मुस्लिम ने, वो कहां जाएंगे किस तरह जाएंगे, हमारी भी ब्लैक कमाई हो गई, हमने किस तरह करी है, जो औरतें खड़ी हुई आपको सारी ब्लैक धंधा करने वाली नजर आ रही है, हमारे मुस्लिम औरतें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ घर गृहस्थी, आदमी अपने कारोबार में लगे रहते हैं, औरतें अपनी घर गृहस्थी में लगी रहती है, आज उन्हें चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ नकाब में रहती है क्या, और आदमियों को देखना तक पसंद नहीं करती है, आज गैर आदमियों के टकरा रही है, सिर्फ इसलिए कि हालात हमारे बहुत बुरे कर दिए, सिर्फ मोदी ने वो हालात में कर दिए कि ना हम सड़क के लिए ना हम घर के लिए, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, बच्चे आके कहते हैं मम्मी क्या लाई, क्या दे बच्चों को हम, किस उससे गए कि किसके अंदर क्या है क्या लाए, बच्चों की फीस भी नहीं जमा करा सकते, कनॉट प्लेस में मेरा बच्चा पढ़ता है, बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि फीस सबमिट नहीं हुई है, जब पान वाले से पैसे कैश करा के लाई हूँ, जब स्कूल में फीस सबमिट करी है मैंने, क्या करूंगी किस तरह करूंगी, सब परेशान है ये सारे, कहां से क्या करेंगे, इसमें से आप मुझे बताइए कोई क्रिमिनल लग रहा है आपको, किसी के पास काला धन है यहाँ पर, ये जो खड़े हुए सारे, मुझे बताइए किसके पास काला धन है, सब सुबह के निकलते हैं रात में घुसते हैं, किसी के बच्चों की नहीं पता, किसी को किसी चीज की नहीं पता, किसके पास है बताइए आप मुझे, ये यहाँ पर किस किस के पास है, परसों आए वहाँ परसों पता, वो तो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी वाइट कर ली है, गोल्ड खरीद लिया है, लेकिन इन सब की जो है बड़ी मेहनत की कमाई है, लेकिन जिस तरह वो दे रहा है इसी तरीके से किसकी सब परेशान है। जैसा कि देखा आपने, महिलाओं में बहुत गुस्सा है, घंटों से कोई खड़े हैं लेकिन कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, यहाँ पर और सिक्योरिटी को बुलाया गया है, कुछ पुलिस वाले और आए हैं, देख रहे हैं पुलिस वाले और हैं, यहाँ पर आए हैं यहाँ पर जी सिक्योरिटी पुलिस वाले हैं, आराम से लाइन पे लगी आप, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है यहाँ पर लोगों में, आम लोगों में, पब्लिक में, क्योंकि वो सुबह से शाम से खड़े हुए हैं यहाँ पर, परिवार घर में है, पता नहीं है कि जैसे कई लोगों ने कहा उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं, और महिलाएं, जैसा कि आपने महिलाओं से सुना, काफी गुस्सा है यहाँ पर। आप लोग कोई बात करना चाहेगा, आप लोग कब से हैं यहाँ पे? सर जी हम सुबह 10 बजे से यहाँ आई हुई हूँ, 10 बजे से हैं। हाँ जी, और मेरा बच्चा घर पे भूखा है, खाली कुल 4 बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बेटे हैं। बेटे हैं जी, और सुबह से मेरे बच्चा घर पे भूखे हैं, कोई काम नहीं है, दाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हस्बैंड कहीं लाइन लग रहा, हम कहीं लाइन लग रहा, खाली मात्र 4,000 रुपए के लिए, और 4,000 रुपए के लिए जो घर में पानी भी गर्म नहीं होता, उसके बावजूद भी यहाँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका? सर जी क्या बताऊं, सुबह से कोई एंट्री नहीं करेगा अंदर, खर्चा इस तरीका की चल रहा है, घर में पैसे भी नहीं है, उससे मांगते 100 रुपया, उससे मांगते 200 रुपया, और क्या था हमारे पास खुद ही नहीं है, हमारे पास तो चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और बैंक में भी ऐसे हालत कर रखा, जो आज इसी बैंक से अगर आपने 4,000 रुपया लिया तो एक हफ्ता बाद फिर आपको 4,000 रुपया मिलेंगे, एक हफ्ता में आप 4,000 रुपया क्या करेंगे, क्या होता 4,000 रुपया में जी? और जैसा कि मैं यहाँ से बता दूँ, खिड़की थोड़ी सी एक स्पेस है जिसके अंदर बैंक का स्टाफ है और बाहर जो पुलिस वाले हैं उनसे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यहाँ पर साफ नहीं है कि ये बैंक की ब्रांच खुलेगी कि नहीं। सर ये बैंक खुलेगा, ब्रांच खुलेगी अभी, बैंक की ब्रांच खुलेगी ये अभी, अभी चल रहे है, अभी चल रही है, अभी खुलेगी ब्रांच, ये बैंक चल रहा है ना, क्योंकि उधर का शटर एक नीचे गिर गया है, तो यहाँ पर यहाँ चल रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी ये ब्रांच खुलेगी, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि कब ऐसा होगा।
लोगों में गुस्सा है, ये गुस्सा कब तक रहेगा? एक हफ्ते हो चुके हैं सरकार की इस घोषणा के कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करेंगे, बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं है हो रही हैं। एटीएम्स के बाहर अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं, जैसा कि नितिन श्रीवास्तव जब दोपहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने पहुंचे थे, लंबी कतारें थी, केओस जैसा माहौल था, लोगों को पैसे निकालने में, अपना पैसा निकालने में उन्हें बेहद बेहद दिक्कत हो रही है। इस बारे में अगर आप कुछ और कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। मुझे विनीत खरे को पुरानी दिल्ली दरियागंज से दीजिए अनुमति।